उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज लखनऊ में भाजपा के सभी मोर्चे की बैठक हुई, जिसमें निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जब भी हाईकोर्ट का आदेश आता है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी संगठन ने तैयारी पूरी कर ली है। वही इरफान सोलंकी के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि सपा में ऐसे ही पदाधिकारी हैं, सपा का समर्थन किसके साथ थे वो सभी जानते हैं। एमएलसी के 6 नामों पर अब केंद्र निर्णय लेगा। मोर्चों के कार्यक्रम पुराने उनके चल रहे हैं, उनकी समीक्षा की है और आगामी दृष्टि से क्या क्या काम हम लोग करने हैं, इसकी कार्य योजना हम लोगों ने बनाई है। आज की बैठकें रूटीन बैठकें हैं, हमारे संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो बैठकें हम लोग मासिक बैठकें करते हैं, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के रूप में संगठन की गतिविधि सुचारू रूप से चले, उस प्रकार की दो बैठकें आज क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और मोर्चों की 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों की बैठकें कार्यक्रम अभियान, नए कार्यक्रम अभियान और पुराने कार्यक्रमों अभियानों की समीक्षा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजादी। सर, आज किस तरीके की बैठक थी? देखिए, हमारी भाजपा सरकार और हमारी योगी सरकार जनता के सेवा के लिए, जनता के हित के लिए, तरक्की के लिए काम कर रही है और हम इसी तरीके से आगे अपना काम जारी रखें, जनता के हित के लिए काम करें। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। निश्चित तौर पर योगी सरकार एक विकास की मॉडल की सरकार है और सबको आज इस सरकार पर विश्वास है और इसी विश्वास के बल पर हम आने वाले निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उन चुनाव में उतरेंगे भी, लड़ेंगे भी और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे भी। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के भी तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। लगातार पसमंदा सम्मेलन की बात करें, अल्पसंख्यक किस तरीके से आज इस बैठक में? देखिए, आज अल्पसंख्यक समाज भी भाजपा के साथ जुड़कर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर एकजुट होकर समाज को तरक्की की तरफ आगे ले जाएं, इसी सोच के साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी काम करती है। इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट को जो है टिकट देने की बात कर रही है, पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद, जिनका साफ तौर पर कहना कहा था कि निकाय चुनाव को लेकर तमाम तरीके के जो बैठकें चल रही हैं उनमें तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी टिकट देने की बात कही है। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।